अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। मैं हूँ रुज इकबाल आपके साथ अरूज आर्ट स्टूडियो में। और जी आज मैं आपको बनाना बताऊंगी यहाँ पर एक बैट एज ए क्राफ्ट। इसको बनाना बहुत आसान है, सिंपल। आपको सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो जी इसको बनाने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले वो राइट डाउन कर लें। सबसे पहले जी आपको चाहिए इसको बनाने के लिए एक पेपर, स्टेपलर, मार्कर और जी एक UHU चाहिए और गूगल आइज चाहिए। आपने जी यहाँ पर ले लेना है पेपर। मैंने A4 साइज़ का पेपर लिया था एंड देन जो है मैंने उसको एक साइड से थोड़ा सा टर्न कर फोल्ड करके जो है एक पेपर निकाल लिया था एंड देन मैं इसके ऊपर हाफ जो है वो बैट बनाऊंगी। एंड देन आप इसको देखते जाएं जी, सिंपल इसको बैट बनाना है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, पहले पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ नज़र नहीं आ रहा था तो फिर मैंने सोचा जी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, तो फिर मैंने इसको जो है मार्कर से जो है वो ड्रॉ कर लिया था। एंड देन जो है अब मैं इसकी कटिंग करूँगी जल्दी जल्दी से, तो इसी तरह से रखे रखी कटिंग करूँगी दोनों तरफ से, जो एक जैसी कटिंग जो है वो आ जाएगी हमारे पास। और फिर जी उसके बाद हम क्या करेंगे जी, कटिंग कंप्लीट होती है तो फिर बताती हूँ जी। सबसे पहले तो जी इसको खोल लेंगे और ये बैट की शक्ल जो है जी आ गई है कुछ हमारे पास इस तरह से। और फिर जी जैसे चाइनीज़ फ़ैन को फोल्ड करते हैं, हमने एज इट इज़ जो है चाइनीज़ फ़ैन की तरह इसको फोल्ड करते जाना है। और जब ये इसको हमने फोल्ड कर लिया तो फिर उसके बाद जी इसकी इस तरह की शक्ल जो है जी निकल आएगी। और जी ऊपर आपने आइज़ लगा देनी है, नीचे आपने उसकी टंग बना देनी है। यहाँ पर जी मैंने दोनों चीज़ों को फोल्ड करके जो है स्टेपलर लगा दिया और ये इस तरह से इसकी शक्ल कुछ इस तरह की निकल आई। और फिर मैंने इसकी कटिंग की, टंग की टंग जी ज़्यादा बड़ी होगी थी, कोई बात नहीं जी, लोगों से कम ही बड़ी है। फिर जी मैंने इसको यहाँ पे स्टिक किया। स्टिक करने के बाद जी मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया और फिर जी गूगल आई ली और वो जी है दो मैंने ली और ए उसके साथ लगा दी, यहाँ पर अटैच किया। और जी इस तरह से प्यारी सी जी बैट जो है वो हमारे पास जी रेडी हो गई एज ए क्राफ्ट। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग अरूज आर्ट स्टूडियो।